इधर दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। आम आदमी पार्टी ने याचिका में क्या कहा है, एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर अहम सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एमसीडी और दिल्ली चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। आम आदमी पार्टी की याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243 यू के तहत जनादेश का हवाला दिया गया है, जिसमें पहले नगर निगमों के चुनाव कराने की आवश्यकता है। मार्च में दाखिल याचिका में दिल्ली नगर निगम के चुनाव तय कार्यक्रम के तहत कराने की मांग की है। इधर महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता और 50% आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया था। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। इससे पहले बम्बई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।